वायरस को लेकर लॉकडाउन है, साथ ही कर्फ्यू भी लगा हुआ है। शासन सभी से अपील कर रहा है कि अपने घर में रहे और घर से बाहर ना निकले। ऐसी स्थिति में गरीब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके घर में राशन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में SDM अरविंद सिंह चौहान ने अपने अधिकारियों सहित इंडस्ट्री के लोगों को शामिल कर एक योजना बनाई है, जिसमें प्रत्येक गरीब को 25 किलो आटा, 2 किलो तुअर की दाल, 2 किलो तेल, 10 किलो चावल और भी खाने की वस्तुएं घर घर जाकर दी जाएगी, जिससे सभी को अपने घरों में एक महीने का राशन मिल पाएगा। 600 से अधिक घरों को चिन्हित किया गया है। SDM अरविंद सिंह चौहान की टीम ने इसमें शासन द्वारा जो नियम है उनका पालन करते हुए घर घर जाकर सबको राशन दिया जाएगा। ये हम लोगों ने ऐसे फैमिली चिन्हित करी लगभग 500-600, जिनको वाकई में जिनके घर में राशन नहीं है, हम ऐसे परिवारों को जो है एक महीने का अग्रिम राशन दे रहे हैं, ताकि इनको जो है बाहर नहीं आना पड़े और ये इनके एक महीने के खाने की व्यवस्था हो जाए। इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से और हमारी जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियाँ जैसे कृति ऑयल मिल और पारक एग्रोटेक क्या ना, इन सब के मिला के हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।